डबल बेस अल्ट्रेशन में हमने डाइमर्स की बात की थी, तो यहां पे दो तरह के डाइमर बन सकते हैं। एक हो सकता है प्यूरिन डाइमर बन जाए, या एक चांस हो सकता है पाइरिमिडिन डाइमर बन जाए। अब प्यूरिन डाइमर क्या होगा? प्यूरिन कौन कौन से अपने, या तो ए है, या फिर जी है, एडेनाइन है, या फिर गुआनाइन है, ठीक है। तो प्यूरिन डाइमर अगर बनता है तो क्या सिचुएशन रहती है, देखिए। मान लो एक डीएनए स्ट्रैंड अगर हम बनाएं लाइक दिस, और इसमें यहां पे ए है टी के साथ, यहां भी ए है मान लो टी के साथ, इस तरह का स्ट्रैंड है, और ये ए और टी आपस में अटैच है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर इसके ऊपर रेडिएशन गिर जाए, स्पेशली यूवी बी रेडिएशन के कारण डाइमर फॉर्मेशन होता है, मैं आगे बताऊंगा, तो क्या होगा? ये ए जो टी के साथ बॉन्डिंग करता है नॉर्मली, ये बॉन्डिंग तोड़ देगा। जिनकी दोस्ती कभी नहीं टूटती थी, वो दोस्ती अब टूटेगी, किसके कारण? रेडिएशन के कारण, यूवी बी रेडिएशन के कारण। ये नॉर्मल बॉन्डिंग टूटेगी और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, यानी कि ऐसे, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो अब ये बन गया प्यूरिन डाइमर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्यूरिन डाइमर। और क्योंकि ये नीचे वाले बेसिस ऐसे कैसे पड़े हैं, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ही खराब हो गया जीन का, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम, दिस इज प्यूरिन डाइमर विच इज कॉज्ड बाय यूवी बी रेडिएशन। और सिमिलरली अब देखो, जैसे ए का हुआ है वैसे ही जी के साथ भी हो सकता है, कि जो लेट मी चेंज द मार्कर, जी है वो जी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज गुआनाइन डाइमर। सो ये प्यूरिन डाइमर के एग्जांपल थे। ऐसे ही पाइरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन हो सकता है, तो पाइरिमिडिन डाइमर में क्या होगा? पाइरिमिडिन क्या होते हैं? टी और सी, थाइमिन या साइटोसिन डीएनए के केस में, तो टी नॉर्मली ए के साथ बॉन्डिंग करता है, और सी है जो वो जी के साथ बॉन्डिंग करता है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो ऊपर वाले हैं, जो पाइरिमिडिन है, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे लाइक दिस, और ये वाली बॉन्डिंग, ये जो असली दोस्ती थी, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, दिस इज पाइरिमिडिन डाइमर, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय यूवीबी रेडिएशन। तो ये यूवीबी रेडिएशन बड़ी डेंजरस है, और जो डाइमर कॉज कर देती है, और ऐसे ही सी के साथ हो जाएगा, सी अगेन बाइंड विद सी, और ये पाइरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डबल बेस अल्ट्रेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई ज्यादा स्ट्रक्चर में घुसने की भी जरूरत नहीं है आपको। सो दिस इज डबल बेस अल्ट्रेशन बिकॉज टू बेसिस आर इन्वॉल्व इन दिस ओवरऑल प्रोसेस। अब इसके बाद में हम इसका रीजन लिख देते हैं, रीजन एज आई टोल्ड यू, यूवी बी रेडिएशन एंड रीजन, ठीक है, बट व्हाट इज द रिपेयर मैकेनिज्म, और यू कैन से व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो डबल बेस अल्ट्रेशन को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है, एक तो इसको डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म से ठीक कर सकते हैं, रिपेयर मैकेनिज्म, और दूसरा तरीका हो सकता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो ये दो मेथड हो सकते हैं, जिन्हें मैं सारे के सारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, अब के बार हमने सिर्फ डैमेज के टाइप्स किए हैं। अब डबल बेस अल्ट्रेशन के बाद बात करते हैं हम चेन ब्रेक की। चेन ब्रेक में देखो एक्चुअल में क्या चीज ब्रेक डाउन होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन होती है। चेन ब्रेक के केस में ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो हमें पता है भाई, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो सारा का सारा स्ट्रैंड ही खराब हो जाएगा। मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये फास्फोरस ऐसे जुड़ते हैं
लाइक दिस। सो ये जो बॉन्ड होती है, दिस इज, ये बॉन्ड कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐसे टूटती चली जाएगी तो डीएनए का, तो एक तरफ का जो ये बेल्ट होगा, ये बेल्ट ही सारा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो सकता है कि एक स्ट्रैंड की टूट जाए या हो सकता है दोनों स्ट्रैंड की टूट जाए। मान लीजिए दिस इज डीएनए और रेडिएशन या किसी केमिकल के कारण इसका एक स्ट्रैंड ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई सेड, रेडिएशन के कारण इसका सिर्फ एक स्ट्रैंड अगर ब्रेकडाउन हो गया, तो इस तरह के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकडाउन, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकडाउन। और अगर यही लाइट इसके दोनों तरफ के स्ट्रैंड को ब्रेकडाउन कर दे, यहां भी यहां भी, दिस इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ओके। सो इसके रीजन लिखते हैं सबसे पहले, इसके रीजन हो सकते हैं, तीन मेन रीजन हो सकते हैं, रेडिएशन, फ्री रेडिकल और कुछ केमिकल्स। रीजन क्या हो सकते हैं, रेडिएशन, फ्री रेडिकल्स या फिर कोई केमिकल। और इसका सॉल्यूशन, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है भाई। देखो जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकडाउन होता है तो इसका जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो होता है होमोलोगस एंड जॉइनिंग। इसका अगर इस वाले की बात कर रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकडाउन का रिपेयरिंग मैकेनिज्म है होमोलोगस होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म, एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म इन केस ऑफ सिंगल स्टैंड। बट इन केस ऑफ डबल स्टैंड देर आर टू मैकेनिज्म, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं भाई यहां पे, एक होमोलोगस और एक नॉन होमोलोगस। सो होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म और एक है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म। ये हुआ चेन ब्रेक के बारे में, ये भी बिल्कुल इजी था, इसमें भी कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, कोई ज्यादा रट्टे मारने वाली बात नहीं थी। अब लास्ट है हमारा क्रॉस लिंकेज। वैसे क्रॉस लिंकेज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। क्रॉस लिंकेज, ओके, क्रॉस लिंकेज में क्या है, या तो डीएनए, डीएनए की क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, या फिर डीएनए की किसी प्रोटीन के साथ में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, जिससे कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है लाइक दिस, और ये कोई दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है। अब अगर ये आपस में क्रॉस लिंक कर जाए लाइक दिस, क्रॉस लिंकिंग, ओके, सो इस तरीके से डीएनए का डैमेज खराब हो जाता है। और इसका रीजन एल्काइलेटिंग एजेंट हो सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका रीजन क्या हो सकते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। शुरुआत हमने एल्काइलेटिंग एजेंट से ही की थी, और एल्काइलेटिंग एजेंट में हमने बताया था कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती है, जैसे कि केमिकल्स में मैंने आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड का एग्जाम्पल बताया था, ओके। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, मीटोमाइसिन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, अ केमिकल That surely causes DNA damage. तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट DNA डैमेज के बारे में। आई होप कि आपको सारा का सारा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा DNA रिपेयर मैकेनिज्म के ऊपर, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के रिपेयर मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे, भाई आज जितनी भी गड़बड़ियाँ DNA में हुई है अलग अलग रीजन से, उनको कैसे रिपेयर किया जाता है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।